पीछे वो रहती थी तो कहते थे शर्मीली, आगे जो बढ़ती तो कहते सर फिरी। पहले उससे लेते थे मशवरा, फिर उसकी हिदायत को करते थे झुटला। कहते थे वो बोलती है ज्यादा, खामोश हो गई तो कहा उसे सादा। उसका हंसना उनको गवारा ना था, और उसके आंसू वो तो बस एक बहाना ही था। जब कोई ख्वाहिशें उसने की ना बयान, तो अफसोस का इजहार करने लगी उनकी जबान। फिर कहा उसने मेरे ख्वाब है ये, तो पागल उसे वो कहने लगे। कहा उसकी बात वो जरूर सुनेंगे, वो बोलने लगी तो कान ढांक दिए। बोसा उसे जोर का दिया, जब हाथ उसने बढ़ाया तो मुंह फेर लिया। वो बातें सबकी सुनती रही, मशवरे सबके लेती रही। बातें ना सुनती तो क्या करती वो, जमाने ने सिखाया था सर झुकाने को। लेकिन एक दिन उसने ये सवाल किया, उसके लिए क्या ये वाकई अच्छा था? अपने दिल की ना सुनना, हसरतों को दबा देना, सिर्फ लोगों की खुशी के लिए ही जीना। जंगल की तरफ कुछ चलने लगी, दरख्तों के पास आकर वो ठहर गई। कानों में हवा ने उसकी सरपोशी की, कम सुखन लड़की तुम कुछ ना करो, पत्तों के साथ बस नाचती रहो। फिर चली हवा और दरख्त छोड़ने लगे, रखती रहे। और वो बोलने लगी, नजाकत से अपने आरजू बयान करती रही। उसकी चाहत ये कि उसकी जात से क्यों ना लोग इज्जत करें, ना कमतर कहें, ना कमजोर समझें।
उसकी खूबियां और ऐबों के साथ उसे जीने दे। ना दे बेटी बहन या माँ का कोई लकब, ना औरत बनने का दे कोई सबक, बस अपनी मर्जी से दे जीने का हक। हर तरफ खामोशी फैल गई, रक्स करते करते वो ठहर गए। ऊपर सर उठाकर जो देखा उसने, दरख्तों का वो हजूम इतने खामोश थे। बस वो सुनते रहे और वो बयान करती गई, मासूम ख्वाहिशात एक दिलचस्प घड़ी। वो घंटों वहाँ बैठी रही, सुकून के सिवा कोई आवाज नहीं। ना शोर गुल, ना चीख पुकार, ना उसकी हर बात पर एक लटकी हुई तलवार। खुली फिजा में सांस लेने का वो हक, उसके औरत होने का दर्जा बुलंद। खामोश रह के उसे जंगल ने कहा, सर उठा कर चल, ये हक है तेरा, जिससे अल्लाह ने खुद तुझे है नवाजा।